जय भीम सभी को, नमो बुद्धाय। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि है भीम जयंती ही नाचून साजरी कराएगी कि पाचून साजरी कराएगी। तो अभी क्या हुआ कि मैंने डांस वीडियो बनाया था और वो किसी ग्रुप पे अपलोड किया, तो उसके नीचे ही एक व्यक्ति ने वहाँ पे फोटोग्राफ भेजा जिसमें टेक्स्ट लिखा था। वो मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट क्या था। उसमें ऐसा लिखा था कि अभी भीम जयंती पास आ रही है तो कुछ डेढ़ चाहने लोग, वो मराठी में था पूरा, कि कुछ विद्वान लोग जो खुद को विद्वान समझते हैं, ऐसे लोग हमें बता रहे हैं करके कि ये जो भीम जयंती है ये हमने नाच के नहीं तो पढ़ के मनानी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो फिर वहां पे ऐसा लिखा है कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम पूरा जो कैलेंडर है, पूरे जो 365 डेज है, तो उसमें 364 डेज हम पढ़ते हैं और सिर्फ एक दिन जो आता है 14 अप्रैल उसमें नाचते हैं सिर्फ। हम साल भर में चैत्यभूमि जाते हैं, दीक्षाभूमि जाते हैं, वहाँ से कैलेंडर लेके आते हैं और किताबें लेके आते हैं, वो पढ़ते हैं। और उसमें ये लिखा है कि एक दिन पढ़कर कौन कलेक्टर बनने वाला है। और उसमें ये भी लिखा है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने 14 अप्रैल को पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए, तो वो जातिवाद फैला रहे हैं। और जब भीम जयंती का जल्लोष होता है ना, जो क्रेज होता है, जो उत्सव होता है, उसको वो कम करना चाहते हैं। तो इस पे मैं अपना मत व्यक्त करना चाहूंगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, जितना भी मुझे समझता है उस पर मैं बोलूंगा। तो पहली बात, यहाँ पे बात हो रही है डांस की, ठीक है? तो डांस के ऊपर हम कुछ बात करते हैं, तो डांस में भी प्रकार रहते हैं, ये आपको बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको बताना चाहूंगा जिस चीज का मैं भी विरोध करता हूं। 14 अप्रैल के पहले, 13 अप्रैल के रात को हमारे आसपास क्या होता है, ये नारी, ये नारा, सुगत नगर, यहाँ के पास के जितने भी एरिया है वहां पे क्या होता है, 13 अप्रैल को लगभग 7 से 8 बजे रात को डीजे, बहुत खतरनाक डीजे रहते हैं कि आप सुन नहीं पाओगे, आपके कान फट जाएंगे। बहुत जबरदस्त डीजे, बहुत खतरनाक, और बहुत आवाज रहता है उनका। यहां से रैली निकालते हैं और संविधान चौक पहुंचते हैं, लगभग 11-12 बजे तक वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे कंटिन्यू यहां से नाचते हुए जाते हैं, कंटिन्यू यहां से नाचते हुए जाते हैं और वहां पे भी डांस करते हैं। 1-2 बजे तक वहां पे डांस चलता है और फिर वो घर पे आ जाते हैं। ये हो गई 14 अप्रैल की तैयारी, ये हो गई 14 अप्रैल का उत्सव। तो डांस के ऊपर मैं बात कर रहा था कि डांस ऐसा होना चाहिए कि जिससे दूसरे को कुछ मिले, यानी दूसरा कुछ इससे सीखे। अगर मैं डांस कर रहा हूं तो दूसरों को कुछ प्रेरणा मिले। तो अगर मैं यहां से नाचते हुए जाता हूं तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा कि कोई भी चीज मैं करता हूं तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बाकी के लोग डीजे लेके जाते हैं इसीलिए मैं भी डीजे लेके जाऊं क्या? मुझे तो बुद्धि है ना, मुझे तो दिमाग है ना। वो 10,000 का लगाएंगे तो हम 20,000 का लगाएंगे क्या? कि हम अपनी बड़ाई दिखाएंगे कि हम कितने ग्रेट है करके। तो इससे किस दूसरे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि 14 अप्रैल के दिन ये क्या करते हैं, डीजे लेके जाते हैं यहां से नाचते हुए वहां पे, और दूसरे समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? बाबा साहब थोड़ी उनको समझ रहे हैं, इससे बाबा साहब समझ रहे हैं क्या? आप वहां से डीजे लेके जाते हो और संविधान चौक में नाचते हो तो उससे बाबा साहब समझ रहे हैं लोगों को? दूसरी बात, एक डांस ये हो गया और दूसरा डांस जिसे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। पहले जब हम छोटे रहते थे ना, हर जगह, अभी भी मैं छोटा हूं लेकिन इससे भी छोटा जब मैं था, तब हर जगह हर बस्ती में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उसमें भाषण होते थे, डांस होते थे, हम देखने जाते थे। पर तब मुझे डांस नहीं आता था, लेकिन अभी मुझे डांस आता है ना, तो लोग डांस नहीं रखते। अभी ये होता है कि डीजे लेके लोग जाते हैं और वहां पे नाचते हैं, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत कम हुए। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा।
तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या होता है कि जैसा मैं डांस करता हूँ, वैयक्तिक रूप से मैं डांस करता हूँ, कि उससे प्रबोधन होता है कि माए बापा हूं भीमा चे उपकार ले आए रहा, इस पे मैं डांस करता हूँ तो लोगों को समझ में आता है, उससे लोगों को जागरूकता आती है। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण है, बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिससे हम सुनकर भी वो करते हैं, बहुत से गानों के कार्यक्रम होते हैं, उससे लोगों को प्रबोधन होता है, उससे लोगों को अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उससे लोगों को बाबा साहब समझते हैं, उससे लोगों को बुद्ध समझते हैं। आप क्या ये डीजे लेके जाते हो यहां से और वहां पे नाचते हो, इससे बाबा साहब कैसे समझेंगे? दूसरे समाज को इससे बाबा साहब कैसे समझेंगे? ये मेरा प्रश्न है आपके सामने। अभी इस साल जो कपिल नगर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम रैली नहीं लेके जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने ये सोचा। लेकिन अभी वो ढोल रखने वाले हैं, तो ठीक है ढोल रखने वाले हैं, पर वो ढोल का उद्देश्य क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा, कि उससे बाबा साहब समझते हैं क्या। तो अभी हम चलते हैं कि बाबा साहब हमको क्यों समझना चाहिए। तो भाई 14 अप्रैल है ना। और एक बात मैं इसमें एडिशनली ये बताना चाहूंगा कि अगर मेरा बर्थडे है और मुझे अगर फूल पसंद है, तो मैं अगर बाहर से घर पे आता हूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? फूलों से भरा हुआ घर दिखना चाहिए ना, कि भाई मुझे खुशी मिले। तो बाबा साहब की इच्छा क्या थी? क्या थी बाबा साहब की इच्छा? कि हम पढ़े। वो बहुत फेमस बाबा साहब का स्टेटमेंट है, फेमस बाबा साहब का वो वाक्य है, शिका संगठित हुआ संघर्ष करा। ये स्टेटमेंट आपने सुना है ना, शिका संगठित हुआ संघर्ष करा। तो फिर हमको 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब को नहीं पढ़ना चाहिए क्या? उससे उनके दिल को ठंडक नहीं पहुंचेंगी क्या? भले ही आज वो हमारे बीच ना हो, पर हमारे दिल में तो है ना। हमारे दिल में तो है ना ये बाप। तो उसकी जो इच्छा थी, वो जो चाहता था कि भारत बुद्धमय हो, तो क्या आप यहां से रैली निकाल के, सूरत नगर से, नारी से नारा से रैली निकाल के और संविधान चौक में डांस करने जाते हो, तो उससे भारत बुद्धमय होगा क्या? ये समझने जैसी बात है, आपने इस पे विचार करना चाहिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने जो बताया, उससे निश्चित ही प्रबोधन होता है, बाबा साहब लोगों तक पहुंचते हैं, बुद्ध लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे सॉन्ग भी चलता है, साथ में मैं डांस करके भी बताता हूँ। इस पे मैं सकारात्मक विचार रखूंगा। मैं जो कहता हूँ या मैं कहता हूँ करता हूँ इसीलिए नहीं कि मैं सांस्कृतिक इसमें डांस करता हूँ या फिर गाना गाता हूँ, इसीलिए नहीं, ये रियली यानी सच्ची में ये इससे लोगों को प्रबोधन होता है, इससे लोग भावनिक होते हैं। कभी आप देखिए कोई गाना गाते हैं तो लोग रोने लगते हैं, उससे प्रबोधन होता है। आप यहाँ से डीजे लेके जाओगे और नाचोगे, कौन कौन रोते हैं? किसको बाबा साहब समझ रहा है, किसको बुद्धा समझ रहा है? सिर्फ अपनी अपनी खुशी के लिए। हाँ यहाँ पे लोग बोलते हैं 14 अप्रैल बिगेस्ट फेस्टिवल, कमिंग सुन कमिंग सुन। हाँ भाई आपका ही फेस्टिवल है, आप ही कह रहे हो बिगेस्ट फेस्टिवल, अच्छा तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि उनका बिगेस्ट फेस्टिवल है। अरे हमने नहीं कहना चाहिए ये, दूसरे लोगों ने कहना चाहिए कि आपका फेस्टिवल बिगेस्ट है करके, कुछ ऐसा हमने करना चाहिए। कि लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने इंतजार करना चाहिए। अगर दूसरे समाज के बच्चे अगर गरीब हो ना, तो उनको ऐसा व्यतीत होना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर समझो हम 14 अप्रैल के दिन किताबें बांटते हैं, नोटबुक बांटते हैं, पेन बांटते हैं, तो वो उसका वेट करेंगे कि भाई 14 अप्रैल आ रही है, हमको किताबें मिलेंगी, हमको बैग मिलेगा, या फिर हमको और अन्य ड्रेस मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। तो ऐसा बाकी के लोगों ने सोचना चाहिए, हमारे सोचने से नहीं होगा कि हमारी जयंती है, हम ही कह रहे बिगेस्ट फेस्टिवल बिगेस्ट फेस्टिवल। भाई तेरे कहने से क्या होता है, दूसरों को भी वो लगना चाहिए ना। और ये जो भारत बुद्धमय है वो आगे बढ़ना चाहिए ना। आप यहां से निकालोगे रैली और वहां तक लेके जाओगे, उससे भारत बुद्धमय होता है क्या? ये समझने जैसी बात है, आपने इस पे विचार करना चाहिए। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ना ही मुझे उतना एक्सपीरियंस है, फिर भी जो मुझे समझता है, जितनी भी बुद्धि मेरे पास है, भले 1% हो,
उस बुद्धि से मुझे यह समझता है कि ये डीजे लेके जाना इससे भारत बुद्धमय नहीं होता, ये आप अपनी खुशी के लिए हो सकता है, अपनी खुशी के लिए, और इसमें भी अपनी खुशी नहीं रहती। मैं पिछले साल गया था, फर्स्ट टाइम गया था मैं, वो भी लाइब्रेरी के तरफ से गया था, मैं इसके पहले कभी नहीं गया रैली में जो यहाँ से डीजे लेके जाते हैं और संविधान चौक में नाचते। पिछले साल मैं फर्स्ट टाइम गया, मैं बताऊँ क्या करते हैं वहां पे, ये सिगरेट लेके जाते हैं, वो डीजे के सामने सिगरेट फूंकते हैं, वहां पे अल्कोहल लेके जाते हैं। ये बाबा साहब है, ये बाबा साहब बताओगे आप, ऐसे बाबा साहब बताओगे लोगों पे क्या संदेश पहुंचता है इससे? लोग बाबा साहब के ऊपर शक करेंगे। अरे बाबा साहब को जब प्यास लगती है ना और वो किन्स को भेजते हैं पानी लाने के लिए, तो वो कुछ अल्कोहलिक जैसा रहता है वो लाता है, तो फिर बाबा साहब वो मुंह के पास लेते हैं, बाबा साहब को वो बास आती है उसकी अल्कोहलिक तरीके की, तो बाबा साहब पूछते हैं ये क्या है, तो फिर वो बोलते हैं कि ये कुछ तो भी है जिससे मतलब नशा वगैरह होता है, तो फिर बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं पीऊंगा, अगर मैंने ये पिया तो मेरा समाज भी ये पिएगा, क्योंकि वो मुझे आदर्श मानता है इसीलिए मैं ये नहीं पीऊंगा। इतनी प्यास लगने के बावजूद बाबा साहब ने वो नकारा, तो ये आप भूल रहे हैं। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इट इज अ आर्ट, बाबा साहब स्वयं ये कहते हैं कि मेरे 10 भाषणों से जितना प्रभाव नहीं पड़ता उतना प्रभाव एक कला से, एक आर्ट से पड़ता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहेब खुद बुद्ध की पेंटिंग निकालते जिसमें बुद्ध की आंख खुले रहते, ये बाबा साहेब थे, ये आर्टिस्ट बाबा साहेब थे। और हम क्या करते हैं, डीजे में ले जाते हैं, वहां पे नाचते हैं और थके हुए आते हैं, वो भी मजा नहीं है आपकी, अगर आप में बुद्धि हो तो आपको ये पता चलेगा कि आप नाचते नाचते जाते हैं और जब आप आते हैं ना आपकी हालत डाउन हो जाती है, तो ये आपकी मजा है, आप शरीर को, अपने शरीर को तकलीफ देते हो, तो ये आपकी मजा है। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो डांस होता है उसका विरोध नहीं करना, उसका विरोध हमें नहीं करना है, ना मैं कर रहा हूं, जो यहां से डीजे लेके जाते हैं और नाचते हैं मैं उसका विरोध कर रहा हूं और करूंगा, जब तक ये बंद नहीं होता तब तक करूंगा। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये जो डीजे लेके जाते हैं उसमें क्या फर्क है, और किससे बाबा साहेब बुद्ध समझेंगे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और क्योंकि जन्मदिन है, बाबा साहेब का जन्मदिन है, तो बाबा साहेब को जो पसंद है वो हमने करना चाहिए ना, बाबा साहेब को पढ़ना पसंद है तो हमें पढ़ना चाहिए ना, बाबा साहेब को लगता है कि हमने संगठित होना चाहिए तो हमने संगठित होना चाहिए ना, बाबा साहेब को लगता है हमें संघर्ष करना चाहिए तो हमें संघर्ष करना चाहिए ना। हम डांस कर रहे हैं क्यों, तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए, अरे इनका भी तो सोचे ना, इन पे क्या बीत रही होंगी, कि भाई मैंने इतना बड़ा, मैंने 18-18 घंटे पढ़ा तो इसलिए पढ़ा कि 14 अप्रैल के दिन मेरा जन्मदिन ऐसे मना डांस करते हुए, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए। और बाबा साहेब अगर होते ना तो उनको कितना हर्ट होता, अरे आज आप, आपके बच्चे, आप और आपके बच्चे दोनों एक दूसरे में मतभेद होते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप पिताजी हो या माँ हो तो आपको कैसा लगता है आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो हर्ट होता है ना, तो ये तो बाप के ऊपर का है, माय बापा उन्हें भीमाचे उपकार लिया है रह। तुम्हें खाता त्या भाकरी वर बाबा साहेबाची सही है, कि वो अधिकार इस बाप ने दिलाया ना, तो इसको कितना हर्ट होता होगा, जब आपके बच्चे आपकी छोटी छोटी बात नहीं सुनते तो आपको इतना हर्ट होता है, आप उन पे हाथ भी उठा देते हो, तो इसको कितना हर्ट होता होगा कि आप उनके जयंती में यहां से डीजे लेके जाते हो, यहां से दारू की बोतलें लेके जाते हो। मैंने खुद देखा है, पिछले साल मैं गया था, लोग बच्चे मेरे उम्र के वहां पे सिगरेट लेके जा रहे हैं, दूसरा समाज देखेगा तो क्या सोचेगा, कि बाबा साहब ने भी यही किया होगा इसलिए आज इसलिए आज इनके बच्चे भी यही कर रहे हैं, क्या बाबा साहब ने इनको यही सिखाया है, बाबा साहब जय भीम जय भीम जय भीम, ये कहने से नहीं होता है, वैसा आचरण भी होना चाहिए मन में, अगर ये नहीं आचरण नहीं होगा ना, जय भीम कहने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप में आचरण नहीं आता, जब तक आप उसको कृति में नहीं उतारते तब तक कोई फायदा नहीं है, तो ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैंने कहा तो आप सुनेंगे करके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,
ये मेरे मत थे, वो उन्होंने जो भेजा वो उनके विचार थे, सबके विचार डिफरेंस रहते हैं। कोई भी दो व्यक्ति इस देश में, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं रह सकते कभी भी, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं रह सकते, क्योंकि उनके जो मन है वह अलग अलग रहते हैं। क्योंकि मन अलग अलग रहते हैं तो व्यक्ति भी अलग अलग ही रहते हैं। तो आप सोचिए जो मैंने कहा है कि भीम जयंती नाचून साजरी कराची कि पाचून साजरी कराची, या फिर उसके ऊपर एक उपाय मैं ये कर सकता हूं कि मैं पढ़ूंगा भी और नाचने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिससे मैं लोगों को प्रबोधन कर सकूं, जिससे लोगों को मैं बाबा साहेब बुद्ध बता सकूं। मैं आपको बताता हूं कि जब पिछले साल मेरा डांस हुआ था कपिल नगर में, तो बाजू में जो क्वार्टर थे, क्वार्टर्स, तो वहां पे पंजाबी लोग रहते थे, तो वो ऊपर से डांस देख रहे थे मेरा वाला और बाकियों का भी। तो आप समझ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनको वो समझ में आया नहीं आया वो नहीं, सिर्फ उनको इंटरटेनमेंट लग रहा था वो, इसलिए वो देख रहे थे। लेकिन कुछ बातें तो उनके कान के ऊपर जा रही होंगी ना कि बाबा साहब ने ये काम किया है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है करके, हाँ बाबा साहब ने ये अधिकार दिए, क्योंकि वो सॉन्ग में भी आ रहा था और मेरे डांस में भी आ रहा था और बाकी कोई डांस कर रहे थे वो वहां पे भी आ रहा था। और बाकी के समाज भी ये देखता है, आप भाषण दे तो आपको इग्नोर करेंगे लोग, लेकिन अगर आप डांस के माध्यम से या गाने के माध्यम से बाबा साहेब बुद्ध रखोगे ना, तो दूसरा समाज भी देखता है। और अगर आप ऐसा डांस करके यहाँ पे जाओगे संविधान चौक अपनी खुशी के लिए, तो लोग देखते हैं और गालियां देते हैं कि ये क्या चल रहा है, और वो दूसरे लोग गाली देते देते हैं, लेकिन अपने लोग भी गाली देते हैं कि ये समाज कहाँ जा रहा है, ये यंग जनरेशन। और वहां पे कौन रहते हैं मैक्सिमम लोग, हमारी उम्र के बच्चे रहते हैं, कि ये समाज कहाँ पे जा रहा है। 14 अप्रैल के दिन क्या मैं डांस ही करूं, सिर्फ ये सिखाया मेरे बाबा साहेब ने? अरे बाबा साहेब को जो पसंद था वो करो ना 14 अप्रैल के दिन। बाबा साहेब को पढ़ना पसंद था तो पढ़ो ना यार, बाबा साहेब को ऐसा लगता था भारत बुद्धमय हो तो उसके लिए प्रयत्न करो ना यार, उस तब प्रण लो ना कि मैं भारत बुद्धमय कैसे करूं। जब मैं छोटा था तब हमारे सर ने एक बात बताई थी कि लोग कहते हैं कि बुद्ध और बाबा साहेब पहले हुए अभी नहीं हो सकते, तो पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि जब बाबा साहेब को कोई पूछता है कि क्या होता है कि एक बच्चा वहां पे बाबा साहब जैसे कपड़े पहन के, मतलब सूट बूट पहन के और टाई पहन के वहां पे रहता है, तो बाबा साहब कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों धारण किया, तो वो क्या उत्तर देता है कि मुझे आपकी तरह बनना है। तो बाबा साहब क्या उत्तर देते हैं कि मुझसे बड़ा बन। तो ये कोई बोधिसत्व ही कर सकता है, कह सकता है। और बुद्ध भी ये कहते हैं कि आप मेरी तरह बन सकते हैं, तो आप होते कौन हो ये कहने वाले हैं कि आप बुद्ध बाबा साहब नहीं बन सकते। तो मेरे सर ने क्या बताया था कि भले ही हम बाबा साहब तक ना पहुंचे, लेकिन अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि बाबा साहब ने 100% काम किया है, तो क्या मैं उसका 1% कर सकता हूं क्या? अगर बाबा साहब ने 100% काम किया है, तो बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं 1% बाबा साहब बन सकता हूं क्या? यह हमें सोचना पड़ेगा, जिससे मेरे जैसे लोग 1% मैं बनूंगा, 1% कोई और बनेगा, ऐसा करके जितना 100% बाबा साहब ने किया है, वैसे 100 हर्ष बनकर या 100 कोई आदमी बनकर वैसा वो 200% उसका करे, और हर्ष ऐसे मिलकर और ऐसे आदमी मिलकर उसका और डबल करे, जिससे ये भारत बुद्धमय हो, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो आप समझ गए ये क्या डिफरेंस है दोनों में, डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत फर्क है, समझिए, निश्चित ही आप समझे होंगे। लेकिन अब आप कृति में लाते हैं कि नहीं लाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू, जय हिंद, नमो भारत।